नमस्कार दोस्तों, आज हम अर्था चैनल के माध्यम से ये जानेंगे कि कैसे चंद्रदेव यानी कि चांद श्रापित हुए और कैसे भगवान शिव द्वारा चंद्रदेव को श्राप से मुक्ति के साथ साथ उनकी जटा में बसने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आइए जानते हैं इस रोचक कथा के बारे में। प्रजापति राजा दक्ष, जो माता पार्वती के पिता हैं, जिन्होंने शिव जी से माता पार्वती का विवाह संपन्न करवाया, जिसके बाद उनकी 27 अन्य बेटियां जब विवाह करने योग्य हुई तो उन्होंने अपनी 27 बेटियों का विवाह अकेले चंद्रदेव के साथ कर दिया। लेकिन विवाह के समय उन्होंने चंद्रदेव के सामने ये शर्त रखी थी कि वो अपनी सभी 27 पत्नियों के साथ सामान्य व्यवहार करेंगे, और चंद्रदेव ने उनकी इस शर्त को स्वीकार करते हुए राजा दक्ष को आश्वासन दिया कि वो उनकी सभी पुत्रियों को सदैव एक समान प्रेम व आदर देंगे और सदा उन्हें प्रसन्न रखेंगे। चंद्रदेव की 27 पत्नियां कोई और नहीं बल्कि 27 नक्षत्र हैं, इसलिए उनकी पत्नियों के नाम पर ही 27 नक्षत्रों के नाम पड़े हैं। आकाश में स्थित तारा समूह को नक्षत्र कहते हैं। साधारणतः यह चंद्रमा के पथ से जुड़े हैं। जिस तरह सूर्य मेष से लेकर मीन तक भ्रमण करता है, उसी तरह चंद्रमा अश्विनी से लेकर रेवती तक के 27 नक्षत्रों में विचरण करता है तथा वह काल नक्षत्र मास कहलाता है। यह लगभग 27 दिनों का होता है, इसीलिए 27 दिनों का एक नक्षत्र मास भी कहलाता है। अगर राजा दक्ष की 27 पुत्रियां या इन 27 नक्षत्र के नाम के बारे में बात करें तो वो कुछ इस प्रकार है: अश्विन, भरणी, कृतिका, रेवती, मृक्षिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्रलेशा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और आखिरी नक्षत्र कह लें या राजा दक्ष की आखिरी 27वीं पुत्री का नाम जो कि है रोहिणी। चंद्रदेव और उनकी 27 पत्नियों से जुड़ी एक और कहानी है जो काफी दिलचस्प है। तो आइए जानते हैं वो कहानी क्या है। चंद्रदेव एक रात अपनी हर पत्नी के महल में बिताते थे, लेकिन अपनी रोहिणी नाम की पत्नी से वो ज्यादा प्यार करते थे। जिस रात वह रोहिणी के महल में जाते उस रात वो सबसे ज्यादा चमकते थे, लेकिन ये बात धीरे धीरे उनकी शेष पत्नियों को पूरी लगने लगी और वो सभी रोहिणी से ईर्ष्या करने लगी। साथ ही चंद्रदेव से भी वह अप्रसन्न रहने लगी, जिस वजह से उन्होंने अपने पिता से इस बात की शिकायत कर डाली। जब राजा दक्ष को चंद्रदेव के द्वारा उनकी बात की अवहेलना किए जाने के बारे में ये पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे और उसी क्रोध में उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया और कहा, हे चंद्रदेव, तुम्हें अपने जिस रंग रूप और तेज पर इतना अभिमान है वो अब नहीं रहेगा। राजा दक्ष के द्वारा चंद्रदेव को क्षय रोग से पीड़ित रहने का श्राप मिल गया, जिस कारण चंद्रदेव का तेज हमेशा के लिए चला गया। अब चंद्रदेव के पास ना तो सुंदरता बची थी और ना ही पहले जैसा तेज। चंद्रदेव ने फिर खुद को उस श्राप से मुक्त करवाने के लिए भगवान ब्रह्मा से मदद मांगी। तब ब्रह्मदेव ने उन्हें ये बताया कि इस श्राप से मुक्ति केवल भगवान शिव ही दे सकते हैं, इसलिए उन्हें शिव की तपस्या करनी चाहिए और उनकी प्रसन्नता के उपाय करने चाहिए। फिर चंद्रदेव ने घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया, जिसके फलस्वरूप शिव जी ने उन्हें अपने दिव्य दर्शन दिए और ये कहा, क्योंकि वे राजा दक्ष के द्वारा दिए गए श्राप को पूर्णतः विफल तो नहीं कर सकते, लेकिन वे इसके प्रभाव को अवश्य ही कम कर सकते हैं। उन्होंने चंद्रदेव को ये श्राप से आशंक रूप से मुक्त कर दिया। इसके साथ ही भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपनी जटाओं में धारण कर उनके मान सम्मान में वृद्धि की। उसके बाद से ही भगवान शिव हमेशा अपनी जटाओं में माँ गंगा के साथ साथ चंद्रदेव को भी धारण किए रहते हैं। इस तरह चंद्रदेव को मिला ये श्राप उनके लिए वरदान साबित हुआ, जिस वजह से चंद्रदेव को भगवान शिव की जटाओं में बसने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बोलो हर हर महादेव।